Hind! A very warm welcome to UPSC Adda twenty four seven. This is the lecture series of uh, the history, and here in this session, currently today, we are going to understand to learn how to approach the questions of the mapping from optional history. Uh, as far as uh, the class timings are concerned, uh, a few of the timings of the classes they get delayed. कल की क्लास में थोड़ी सी देरी हुई थी और आज की क्लास में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ और ग्लिचेज आज आ गए थे कल की क्लास में आज भी थोड़ा ऐसे हुआ माइक में कुछ इशू हुआ था अदरवाइज एवरीथिंग वाज फाइन सो आई वाज केटरिंग दिस आई वाज ट्राइंग टू आंसर दो स्टूडेंट्स हु वर सिंह सर क्लास होगी या नहीं क्लास uh, थोड़ी लेट हुई है uh, uh, शायद ध्यान ना रहा हो आ जाइए सर सो इट वॉज ऑल फॉर देट अगर ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्लास होती है तो uh, uh, इतना हंड्रेड uh, परसेंट है सौ प्रतिशत इतना कंफर्म है कि क्लास होगी राइट सो बट बाई क्लास मे गेट लिटिल बिट डिलीट बट अदरवाइज अदरवाइज आई ट्राई टू बी हंड्रेड परसेंट ऑन टाइम राइट ओके चलो ऑल द बेस्ट एंड आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन राइट नाउ राइटर इन फ्रंट ऑफ यू ओके सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड concerned क्वेश्चन this एज फार this हिस्ट्री paper this दिस क्वेश्चन पेपर दिस क्वेश्चन ऑफ becomes वेरी important क्योंकि ये जो नंबर है ये लगभग जो हमारे पास 20 साइट्स आती हैं हर एक साइट ढाई ढाई नंबर की होती है 2.5 marks each मार्क्स the ऑफ contains कंटेंट्स वहाँ पे आपको एक हिंट दी दी जाती है और वो हिंट कुछ इस प्रकार की होती है कि आपको यह बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर इंडियन मैप पे इस लोकेशन पे साइट है अब आपको यह बताना है कि यह साइट कौन सी हो सकती है यह भी हो सकता है कि यूपीएससी ने एक हिंट के तौर पे आपको ये भी बता दिया गया बता दिया हो कि यह साइट किस टाइम पीरियड से है क्या यह स्टोन एजेस से है क्या यह प्री हिस्ट्री से है या ये हिस्ट्री से कहां से है और इसकी खासियत और विशेष भिशे, विशेषता के रूप में आपको थोड़ी सी हिंट दी जाती है एक लाइन में क्या कह सकते हैं जो भी साइट्स आपको दी जाएंगी बीस साइट्स होंगी अमूमन हर एक साइट ढाई नंबर की है और उसको करने के लिए आपको एक हिंट दी जाती है यूपीएससी के द्वारा उस हिंट की मदद से आपने उसको अटैम्प्ट करना है तो ये जो पचास नंबर है ये पचास नंबर लाना बहुत ज्यादा आसान है आसान इसलिए है कि मैक्सिमम साइट्स जो है आपकी इंडिया इंडिया से आ जाती हैं तो जब इंडिया को हम ऑप्शन हिस्ट्री में कवर करते रहेंगे साथ साथ तो हम ये पाएंगे कि सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट साइट तो वहीं से कवर हो गई वहीं से हमने कर ली मैं आज के सत्र में आज की क्लास में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताने वाला हूं जो ये पूरे के पूरे मैपिंग वाले क्वेश्चन को बिल्कुल आसान कर देगी करना क्या है किन किन चीजों को रिपीट करना है किन किन चीजों की एक्सरसाइज करनी है प्रैक्टिस करनी है और कौन कौन सी चीजों को कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है आज का सेशन है दिस इज द मैप सेक्शन इन हिस्ट्री ऑप्शनल हाउ टू डील विद द मैप सेक्शन टू डील विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई एम प्रोसीडिंग विद दिस सेशन अब क्या होता है नॉर्मली यूपीएससी का जो हिस्ट्री ऑप्शन वाला विषय है उस हिस्ट्री ऑप्शन इस वैकल्पिक विषय में हमारा जो पेपर वन में सेक्शन ए आता है उसमें एक मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेगा अब ये जो मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेगा ये मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको करना होगा इस मैप बेस्ड क्वेश्चन में आपको ध्यान ये रखना है कि कई बार कई मरतबा क्या होता है कि आ, 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 आपको इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में बीस साइट्स सारी की सारी नहीं आती अब पता चला बीस नहीं आती हैं दस आती हैं तो आपने दस करी और बाकी की सारी की सारी छोड़ दी हमने कोशिश भी नहीं करी क्योंकि कई बार क्या होता है जो हिंट होती है वो हमारे समझ में एकदम से नहीं आती है थोड़ा देर से क्लिक करती है बट बीस साइट्स हमारे पास है पेपर वन के सेक्शन ए में और हर साइट जो है लगभग लगभग टू पॉइंट फाइव मार्क्स ईच की होती है ढाई नंबर की होती है तो इन टोटेलिटी ये जो पूरा का पूरा वेटेज है हमारा पचास नंबर का है पचास नंबर बहुत मायने रखते हैं और ये पचास नंबर सिर्फ मैपिंग की प्रैक्टिस करके आप बहुत आसानी से ला सकते हो आज इसी पूरे के पूरे चीज को बहुत आसान करने वाले हैं कैसे करना है आपको करना क्या है इसमें जो चीज ध्यान रखनी है शुरू करने से पहले वो ये है कि एक छोटा सा आपको डिस्क्रिप्शन देना है शॉर्ट ड्यूरेशन अब ढाई नंबर का है तो तीन लाइनें या चार लाइनें बस लिखनी है इससे ज्यादा नहीं लिखना आपको उसके अलावा दिस इज बेस्ड ऑन अ हिंट जैसे मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं यूपीएससी आपको एक हिंट देगी उस हिंट के आधार पर आपको ये करना है अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीजों की जरूरत होनी चाहिए हमें किन किन चीजों का किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको क्या करना है आपको उन एरियाज को हाईलाइट करना है आपको उन सारे के सारे पहलुओं को पकड़ना है जहाँ से यूपीएससी इन सवालों को इन प्रश्नों में वो अलग अलग साइट्स डाल सकती है वो अलग अलग प्लेसेस, लोकेशंस डाल सकती है कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना है आपको प्री हिस्टोरिक सारी की सारी साइट्स प्रैक्टिस करनी है घर पर आपको प्री हरप्पन वाली सारी की साइट्स

प्री हरप्पा ये अर्ली हरप्पन में भी आती है मेच्योर हरप्पन में भी आती है और ये साइट्स जो हैं लेट हरप्पन में अब क्या करना है आपने सारी की सारी साइट्स सबसे पहले तो आपने प्रैक्टिस करनी है घर पे इसके अलावा टेंपल साइट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड देन पोर्ट सिटीज जितने भी जितने हमारे पोर्ट्स रहे हैं एंशेंट इंडिया में वो सारे के सारे पोर्ट्स करने हैं पोर्ट से याद आया जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो हमें इंडिया और मेसोपोटामिया के व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है यहाँ पे आपने सुना होगा मेलूहा दिलमुन मगन ये सारे के सारे जो पोर्ट्स होते हैं ये जो बंदरगाह होते हैं ये बंदरगाह आपको पता तो होनी चाहिए जैसे आज के करंट टाइम पीरियड में आप कोई आपसे पूछे ग्वादर पोर्ट कहाँ पे है कोई आपसे पूछे चाबहार पोर्ट कहाँ पे है तो आपको पता होता है ठीक उसी प्रकार इन सारे एंशियट पोर्ट्स को आपने प्रैक्टिस करना है इनके अलावा जितने भी मोनूमेंट्स हैं कौन कौन सी जगह पे हैं कहाँ पे हैं क्योंकि ये एनशियंट एक्सकेबिशंस के बाद हमें मटेरियल रिमेन्स के फॉर्म में मिल रहे हैं आपको क्या पता करना है आपको जो महाजनपदास है हमारे सोलह उन सोलह के सोलह महाजनपदास को आपने प्रैक्टिस करना है और साथ ही साथ इनकी कैपिटल कहाँ कहाँ थी अब ये कई बार बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि एनशियट इंडिया में से वो जगह है वो प्लेसेस जो या तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है या तो बहुत ही ज़्यादा वो इकोनॉमिकली फेमस है यानी बहुत ज़्यादा रिच हैं प्रॉस्परस हैं ट्रेडिंग ट्रेडिंग सेंटर्स से, हैं महत्वपूर्ण ट्रेडिंग सेंटर्स से, हैं वो सारे के सारे इस पूरे साइट्स में इस पहले पूरे मैपिंग वाले क्वेश्चन में अपनी जगह बना सकते हैं तो इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है इसके अलावा और क्या करना है हमें और कौन कौन सी चीजें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट सिटीज़ एंड कैपिटल्स ये हम याद कर सकते हैं इनकी हम घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो एनशेंट इंडिया में अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी उनमें से जो भी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो जो भी चीज़ें आप ढूंढ सकते हो उन सभी चीज़ों की आपने क्या करनी है प्रैक्टिस इस प्रैक्टिस से क्या होगा इस प्रैक्टिस से आपके लिए वो साइट्स बड़ी आसान हो जाएंगी जैसे ही वो साइट अगली बार आप एग्जाम में देखोगे तुरंत आप मार्क कर दोगे तीन से पाँच सेकेंड के बीच में बुद्धिस्ट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और जेनिस्ट सेंटेंस ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एंशंट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बुद्धिज्म और जैनिज्म आपको पता है 600 सौ में बहुत ज़्यादा फेमस और पॉपुलर हुए इनका ओरिजिन हुआ उसके बाद ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए वाइड स्प्रेड हुए लोकल लैंग्वेजेस को आ, के थ्रू इन्होंने मासिस के साथ कनेक्ट किया पाली और प्राकृत के साथ अलग अलग जगह पे जा जा के दोनों के प्रोपाउंडर्स ने अपने रिलीजन को प्रमोट किया पॉपुलर किया तो वो बहुत सारी जगह जहाँ किसी ने उपदेश दिए जहाँ पहला शर्मन दिया है ना अब ये अलग अलग जगह जो हैं वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कहाँ वो पैदा हुए कहाँ उनकी मृत्यु हुई कहाँ उन्होंने महापरिनिर्वाण और कहाँ उन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया बहुत सारे अलग अलग एपिसोड्स होंगे इन रिलीजन से रिलेटेड दोनों से बुद्धिस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर्स एज वेल एज जैनिस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है अगला है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे बलाभी जैसे नालंदा जैसे विक्रमशिला बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको हमने लोकेट करना है उनके बारे में पढ़ना है क्यों क्योंकि हमें तीन से चार या पांच लाइनें लिखनी भी हैं और लिखने के लिए हम, लिखने के लिए हमारे पास होना चाहिए कंटेंट अगला पॉइंट है अब जैसे वर्ष 2021 में आ, एक क्वेश्चन हिस्ट्री ऑप्शन का पूछा गया और हिस्ट्री ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ये वाला आपको मैप दिया गया अब इस मैप में आपने ये पता करना है कि कौन कौन सी साइट्स हैं और उन साइट्स को हम लोकेट कैसे करेंगे यानी अगर आप प्रथम दृष्टया इस मैप को देखोगे तो इस मैप में आपको कई सारी साइट्स दिख रही हैं। जैसे दिस इज नंबर वन दिस इज नंबर दस पाँच पंद्रह सोलह सत्रह और दिस इज नंबर टेन दिस इज ट्वेल्व दिस इज नाइन दिस इज फिफ्टीन दिस इज सेवन तो इस तरीके से कई सारी आपको साइट्स हैं फोर्टीन एट इलेवन इनटीन सेकेंड थर्टीन फोर्थ पंद्रह तीन अठारह एटीन फिफ्थ सिक्स और ट्वेंटी एथ दिस इज थर्ड अब आपको क्या करना है ये जो ट्वेंटी साइट्स आपको दी गई हैं इन ट्वेंटी साइट्स को आपने लोकेट करना है ध्यान से समझना आराम से इसको पढ़ना और जरा देखना कि क्या ये बहुत मुश्किल है प्रथम दृष्टि आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये पूरा का पूरा रीजन गुजरात से लेके साउथ इंडिया तक का कवर किया गया है साइट्स में यहां पे भी सॉरी जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का पूरा रीजन कवर किया गया है इस मैप में वापस से गुजरात से लेके और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट तक वापस से यूपीएससी ने कवर किया है तो पैन इंडिया आपको पूरा का पूरा विजिट करा दिया और इसमें अब उन्होंने हिंट के तौर पे आपको कुछ चीज़ें बताई और वो जो हिंट होगी वो आपकी मदद करेगी उस साइट तक पहुँचने में और उसके बाद वही हिंट आपकी मदद करेगी उसको डिस्क्राइब करने में उसका डिस्क्रिप्शन करने में राइट तो पहली साइट्स को देखते हैं ये पहली वाली साइट है और इसके बाद दूसरी साइट ये है यहाँ पे गुजरात वाले रीजन में जरा देखते हैं यू ने एज अ हिंट आपको दिया क्या है आ, Identify the 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 following places marked on on map map. and write a short note. You have to write a a short short note. note You you have have to to along with that you have to mark it करना है हालांकि वो डिस्क्रिप्शन शॉर्ट होगा इसके अलावा क्या बोला गया है लोकेशनल हिंट्स दी गई हैं सब प्लेसेस की और आपको अब उनको आ, सही तरीके से एक्सप्लेन करना है डिस्क्रिप्शन उनका देना है उनको सही लोकेट करके

और आपके पास साइट है ये वाली तो गुजरात के रीजन में इस नियर बाई रीजन में कौन कौन सी म्यूजोलिथिक साइट्स हैं ये आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए वापस से पूरा प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है आराम से हो सकता है अगर आपने इसको तरीके से तरीके से आपने मैपिंग फिल की है मैपिंग की है साथ ही साथ किसके जब आप इस चीज़ को पढ़ रहे थे जब आप स्टोन एज पढ़ रहे थे तीसरी साइट है न्योलिथिक साइट अब ये जो न्योलिथिक साइट है इस न्योलिथिक साइट में तीसरी जो लोकेशन मैप पर दी गई है वो लोकेशन है थर्ड लोकेशन अब ये थर्ड लोकेशन कहां पे है येरा नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में कौन सी लोकेशन है तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो प्राइमा फेसी पेल्योलिथिक मिजोलिथिक और न्यूलिथिक तीनों की जो साइट्स हैं वो थोड़ी सी मुश्किल लग रही है क्योंकि जिन रीजन में इसको डाला गया है और यूपीएससी ने पूछा है वो थोड़ा सा, थोड़ा सा लग रहा। लेकिन सॉल्व करूंगा बताऊंगा कैसे प्रैक्टिस करने से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने से आप आसानी से दस से पंद्रह साइट्स बड़े प्यार से लोकेट कर सकते हो अगला चौथी चीज क्या है न्योलिथिक और कैल्कोलिथिक साइट आपको यह बताना है कि ये जो फोर्थ वाली साइट है ये और कैलकोलिथिक दोनों की साइट है साइट दिस इज फोर्थ वन अब आते हैं पांचवी चीज जरा देखते हैं कि क्या बात करें और ये क्या पूछ रहे हैं पांचवी साइट कौन सी वाली चीज के बारे में पूछ रहे हैं बोल रहे हैं हरप्पन साइट हरप्पन साइट तो पांचवी साइट जो है वो एक हरप्पन साइट है आपको पता करना है कि ये दरअसल है कौन सी साइट कहां पे हम हरप्पन साइट को लोकेट कर कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में कि क्या कोई हड़प्पन साइट है और अगर कोई हड़प्पन साइट जम्मू कश्मीर में है तो वो साइट कौन सी है उसके बारे में ये ये अगर हम लोकेशन ढूंढने की कोशिश करें तो ये लोकेशन एग्जैक्टली कौन सी साइट की लोकेशन होगी विच साइट एग्जैक्टली दिस इज इन जम्मू कश्मीर विच रिलेट्स और बिलोंग्स टू दॉर्द इंडिया सॉरी न्यूलिथिक साइट अब uh, अब अगले क्वेश्चन की तरफ सवाल पूछ रहा है के इसके अलावा जो अभी तक हमने चीजें पांचवी हरपन साइट देखी छठी है प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक साइट प्रोटो हिस्टोरिक कौन सी है मैं कल के सेशन में एक सत्र में आपको प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री पढ़ा चुका हूं मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके बाद की साइट्स के बारे में आपको बताना है आपको ढूंढना है इसको आ, ये छठी साइट है तो देखते हैं छठी साइट कौन सी है फिफ्थ और सिक्स फिफ्थ और सिक्स ये है चौथी और ये है This is the site. अब में पूछा है कि ये साइट आपको बतानी है यह प्रोटोहिस्टोरिक साइट है उसको उसकी हिंट के साथ जोड़ने की कोशिश करोगे अल्टीमेटली आप यह पाओगे अल्टीमेटली आप यह पाओगे कि सारी बीस की बीस साइट आपसे नहीं बन रही है इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है अदरवाइज 50 नंबर लाना थोड़ा आसान हो जाता है और थोड़ा ल्यूक्रेटिव हो जाता है ध्यान से सुनेंगे ये पूरी चीज़ आप आराम से घर पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इस वीडियो को दोबारा से पॉज करके देख सकते हो पूरा का पूरा मैप आप एक बार देखिए और ये देखिए कि इस मैप में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है अब अगर हम इसको जनरलाइज करें तो प्रोटो हिस्ट्री और इंस्क्रिप्शनल साइट जैन मोनास्टिक साइट कॉइन होर्ड होर्डिंग होता है उनका इकट्ठा होना पेलोलिथिक साइट टेराकोटा साइट रॉक कट केव्स तो जो चीज़ें हमने शुरुआत में एक जनरलाइज करके आपके सामने पेश की, लगभग उन्हीं फील्ड्स में उन्हीं एरियाज में हम थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके इन सारी साइट्स को सही तरीके से लोकेट कर सकते हैं जैसे एनशियंट लर्निंग सेंटर है आपको बताना है आप पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर रहा है एनशियट इंडिया में बुद्धिस्ट साइट रही है एनशियट पोर्ट रहा है मैंने आपसे बोला था बंदरगाह काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमें करने हैं अर्ली हिस्टोरिक साइट ये देखनी है इसके अलावा और क्या है आइवरी आइवरी होता है हाथी दांत मतलब कहां कहां पे होल्डिंग की गई हाथी के दांत की बुद्धिस्ट मोनास्टिक सेंटर बुद्धिस्ट मोनास्टिक सेंटर और टेम्पल कॉम्प्लेक्स तो ये सारी साइट्स हैं अगर प्रैक्टिस करी होंगी तो थोड़ा सा आसान रहेगा अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं पहली जो एंशियंट साइट की बात की गई थी दिस वॉज देंट साइट जो हमने साउथ इंडिया में बोला कि साउथ इंडिया में ये एंशियंट साइट है और ये साइट कौन, कौन सी वाली है पैलियोलिथिक है पैलियोलिथिक साइट है अब पैलियोलिथिक साइट है पूरा पाषाण काल की साइट है और कहाँ की साइट है ये मोस्टली साउथ इंडिया की तो हमने अतिरम साइट को लोकेट किया कि यार ये साइट एग्जैक्टली exactly जहां हम साउथ में यूपीएससी ने उसको मैपिंग वाले क्वेश्चन में डाला है और ढूंढने की कोशिश की है तो ये अतिरम साइट हो सकती है इसके अलावा जो हमने साइट्स के साथ फेमिलियरिटी बनाई है वो सारी की सारी साइट्स मोस्टली नॉर्थ इंडिया और इंडस रिवर के आसपास और सेंट्रल इंडिया तक एक्सटेंड करती हैं इसलिए इसको लोकेट करना थोड़ा सा हो गया आसान क्योंकि हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे लिमिटेड साइट्स हैं और हमको पता लग गया अब इसमें हमको डिस्क्राइब भी करना है तो उस डिस्क्रिप्शन में आप दो चार लाइनें लिखेंगे बस हालांकि जानकारी मैंने आपके सामने ज़्यादा शेयर की है इस जानकारी में बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखनी क्योंकि वो सारी चीज़ें आप जान चुके होंगे एक बार हम स्टोन एजिस को डीपली पढ़ लेंगे तो स्टोन एजिस से रिलेटेड चाहे वो पैलियो हो मीजो हो नियो हो या कैलकोलिटिक हो आप सारी की सारी साइट्स के बारे में पढ़ लोगे आप सारी की सारे टूल्स के बारे में जानकारी रख लोगे और आप उनके पूरे के पूरे लिविंग पैटर्न और सबसिस्टेंस लाइफस्टाइल के बारे में सबसिस्टेंस पैटर्न के बारे में सारी जानकारी होगी तो बाकी जानकारी कॉमन रहेगी जो हम वहाँ भी पढ़ेंगे जो हमें एक अलग एक इंफॉर्मेशन अपने आंसर में डालनी है वो क्या हो सकती है जैसे हमने बोला इट इज इन चेन्नई डिस्ट्रिक्टी हिस्टोरिक साइट इतना पर्याप्त है अगर आपने ये चार लाइनें भी लिखी हैं तो आपने पर्याप्त डिस्क्रिप्शन दे दिया आप अगली साइट पे आगे बढ़ सकते हो तो आपने सक्सेसफुली लोकेट किया कि साइट का नाम है अतिरम और ये साइट कहाँ की है तमिलनाडु और ये साइट किसके लिए फेमस है कि ये चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में है और ये रिवील करती है क्या एक सीक्वेंस किसका लोअर मिडिल एंड अपर पॉइंट नंबर इट इज वन ऑफ द पेलोलिटोरिक साइट इन साउथ एशिया एंड देन इट इज एन ओपन एयर पेलोलिथिक साइट दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन विल ऑल्सो सफाइस नेक्स्ट अगली जो साइट थी जो हमने म्यूजोलिथिक की देखी थी और ये साइट हो गई कौन सी वाली लंगनाग अब लंगनाग साइड अभी आपको हो सकता है पहली बार सुनने में थोड़ा सा लग रहा हो लेकिन एक बार जब आप ये प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी बहुत अच्छी बहुत अच्छी फेमिलियरिटी और जान पहचान इन सारे शब्दों के साथ हो जाएगी और ये सारे शब्द आपके अपने परिवार का एक हिस्सा होंगे आपकी अपनी वकेबलरी का एक हिस्सा होंगे लंगनाग इट इज इन महसाना डिस्ट्रिक्ट एंड देन गुजरात तो गुजरात के महसाना डिस्ट्रिक्ट में कौन सी साइट पड़ती है लंगनाग और ये लंगनाग एक म्यूजोलिथिक साइट है और इसके बारे में क्या लिख सकते हैं गुजरात. तो गुजरात इट इस का किया गया। ये ठीक वैसे ही है जैसे धोलावीरा ठीक है वहां की स्टडी भी बहुत ज्यादा हुई है दुपेशनल डिपॉजिट वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री पीरियड्स पीरियड वन इट वॉज म्यूजोलिथिक एंड्रोलिथ आप सबको पता है कि की बात होती है तो माइक्रोलिथ स्टोन्स आते हैं क्यों क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गया था उस टाइम पे प्लीस्टोन से होलोसिन की तरफ तो जैसे ही क्लाइमेट चेंज हुआ जैसे ही क्लाइमेट चेंज हुआ प्लीस्टोसीन से लेके होलोसीन की तरफ होलोसीन इस क्लाइमेट चेंज की वजह से अब जो है थोड़ा सा गर्म हो गया वातावरण गर्म होने से बर्फ पिघली और बर्फ पिघलने से क्या होगा कि अब बड़े जानवरों को बड़े फर के साथ जिंदा रहने के लिए बेवश न होना पड़ेगा छोटे छोटे जानवर भी अब सर्वाइव कर पाएंगे तो एनिमल साइज बदल गया एनिमल्स छोटे छोटे भी अब जिंदा रह सकते हैं एनिमल साइज़ बदला तो टूल साइज भी बदल गया बड़े भारी भाले की ज़रूरत नहीं है जानवर को मारने के लिए छोटे छोटे माइक्रोलिथिक टूल्स को फेंक के भी आप खरगोश का शिकार कर सकते हो तो इसलिए टूल्स चेंज हुए माइक्रोलिथ साइज इसके बाद Human और इन सारी की सारी चीजों को आप एक्सप्लेन कर सकते हो दैट बी है माथे पे कट के निशान पाए गए हैं ऐसे लगभग लगभग चौदह ह्यूमन स्केलेटन है जो यहां से प्राप्त किए गए हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाया गया है हरपन अर्बन कल्चर का जैसे हमने लिखा शहद और हंटेड मीट काम की चीज क्या है काम की चीज ये है कि जब हम मिजोलिथिक टाइम पीरियड पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे उनके सबसिस्टेंस पैटर्न में कि द मिजोलिथिक पीपल देवर हंटर्स एज वेल एज हर्डर्स चरवाहे भी हैं और शिकारी भी हैं हंटर्स भी हैं ये हमें क्या जानकारी दे रही है ये हमें ये जानकारी दे रही है कि म्यूजोलिथिक जो टाइम पीरियड है मध्य पाषाण काल जो टाइम पीरियड है वहां के लोग मोस्टली सिर्फ शिकार पे जिंदा नहीं रहते वो शिकार तो करते ही हैं अब वो हंटिंग तो करते ही हैं साथ ही साथ वो अब गैदरिंग नहीं करते फूड गैदरिंग नहीं करते फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गैदर नहीं करते बल्कि वो इसको हर्डिंग में कन्वर्ट कर चुके हैं मतलब दोनों चीजों को साथ साथ वो अपने व्यवसाय में लेके आ रहे हैं एक बात आपको ध्यान रखनी है किसी भी हालात में एट एनी सिचुएशन एट एनी कॉस्ट दिथिक पीपल बर नॉट एग्रीकलिस्ट देर नॉट प्रोड्यूसिंग द्रॉप ये खेती नहीं करतेल राइट right? अगला पॉइंट तो ये हमारा मेहसाना साइट का हो गया तीसरी साइट हमारे पास दाउजली हादिंग दाउजली हादिंग अब ये जो दाउजली हादिंग के बारे में मैंने आपसे चर्चा की ये दाउजली हादिंग काफी फेमस एक साइट है न्यूलिथिक साइट है आपको पता करना है इट इज इन नॉर्थ चाचार हिल्स एंड दाउजली हादिंग तो साइट है जिसका नाम है दाउजली हादिंग इट इज इन आसम एंड इट इज अथिक साइट स्टोन एंड फॉसिल बुड्स एक्सिज एजिस होज ग्राइंडिंग अब ये पूरा का पूरा पॉइंट जो है ना ये पूरा का पूरा पॉइंट टूल्स वाले सेक्शन से है जो मैं आपको बता चुका हूं कि हम तीन अलग अलग सेपरेट हेडिंग में इसको पढ़ेंगे पहला कौन कौन सी साइट्स हैं जहां से पैलियो मिजो न्यो और कैलकुलेटिक जो हमें प्रमाण मिले हैं वो टूल्स क्या क्या हैं जिन टूल्स का इस्तेमाल किया गया है इन चारों फेजेज में उसके अलावा सबसेस्टेंस पैटर्न क्या है लिविंग पैटर्न क्या है इन अलग अलग एजेस के लोगों का तो उसमें से ही सीधा क्वेश्चन है बहुत आसान है जब आप पढ़ोगे तो आप पाओगे एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथ्स बोन टूल्स एंड आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड हैबिटेशन ये कॉमन है क्योंकि अब इस टाइम पीरियड में जहां पर हमें न्यूलेथिक में हम ये जानेंगे कि अब बोन टूल्स भी साथ साथ एसीमलेट होने शुरू हो गए हैं राइट सो ये इंफॉर्मेशन है जो आप तीन से चार लाइन में शेयर कर सकते हो दी पॉलिश स्टोन टूल्स सेरेमिक्स एंड किचन आइटम्स है जो ये पॉट्री है इस पॉट्री को आपको ध्यान रखना है कि ये जो पॉट्री है इसमें ब्लैक बेयर ब्लैक बेयर रेड बियर ब्लैक एंड रेड वेयर ये फिलहाल में शुरुआत में आपको मिलेगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम ये पाएंगे कि हमें पॉटरी में अलग अलग चीजें अलग अलग क्वालिटी मिल रही है एक टाइम आएगा कैलकुलेटिक एज का जब हम उसको ओसीपी कल्चर के नाम से पढ़ेंगे और हम ये पाएंगे कि उस टाइम पीरियड में जो है पॉटरी मेकिंग चेंज हो जाता है और पॉटरी मेकिंग अब ऑक्र कलर का हो जाता है ये जो पॉटरी होगी ये पॉटरी वापस से कैलकोलेटिक टाइम पीरियड की पॉटरी है ओसीपी कल्चर जिसको हम बोलेंगे अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें एक और पॉटरी टाइप मिलेगा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर अब ये जो है ये एक तरीके से डिलक्स पॉटरी है इट्स अ काइंड ऑफ डिलक्स पॉटरी तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है जैसे 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 हम न्यूलिथिक में आएंगे चीजें जो है, इस तरफ चेंज होती रहेंगी। आपके काम का सिर्फ इतना हमारे पास एक साइट आएगी मेहरगढ़ क्योंकि पूछा गया है न्योलिथिक कैलकोलिथिक साइट बताओ और ये मेहरगढ़ है आप सबको पता होगा मेहरगढ़ पाकिस्तान में है बच्चों वो सारे के सारे लोग जो पहली बार ये डिस्कशन सुन रहे हैं इन सारी साइट्स को गो थ्रू कर रहे हैं जिनका ऑप्शन हिस्ट्री नहीं है लेकिन वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो इसको एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री को चूज करें उनके लिए ये पचास नंबर का एक जो क्वेश्चन है ये बोनस बोनस की तरह आप इसको मान के चलो मतलब अगर आपने थोड़ी भी प्रैक्टिस करी है तो आप ये पचास नंबर कम मेहनत करके भी ला सकते हो मतलब कि आपके पास एक ऐसा एक्स्ट्रा

मेहरगढ़ से हमारे पास एग्रीकल्चर के मुख्य प्रमाणिक जो एविडेंसेस uh, मिले हैं वो हैं तो द एविडेंसेस ऑफ द एग्रीकल्चर वी फाइंड फ्रॉम फ्रॉम मेहरगढ़ तो मेहरगढ़ से हमको पहले कृषि के ऐसे प्रमाण मिलते हैं ये सारी जानकारी आप इस साइट में शामिल कर सकते हो अगली साइट थी हरप्पन साइट पूछा गया था कि आपको बताओ बताना है कि हरप्पन साइट है या नहीं है अब ये जो साइट थी पांचवी वाली ये साइट uh, लगभग ऐसी लोकेशन पे पूछी गई है जो लोकेट करना मुश्किल है मतलब वहां पे तो कोई ऐसी साइट थी नहीं और अगर थी भी तो शायद या वो मांडा के बारे में पूछ रहे हैं अब ये मांडा क्या है इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले सकते हैं हमारे पास दो चीजें हैं पहली कि या तो वो साइट जो है जिसको हम प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक साइट बोलते हैं जो हमारा छठे नंबर पर पूछी गई थी छठे नंबर पर जो पूछी गई थी वो छठे नंबर की साइट हमारी या तो रोपर हो सकती है या फिर कांगरा हो सकती है हमारे पास दो ऑप्शन थे अब जानकारी हमारे पास दोनों की है अब ध्यान से सुनेंगे अगर रोपर है तो इसका मतलब यह है इट इज कंसिडरिंग प्रोटोहिस्टोरिक साइट बट नॉट एग्जैक्टली ऑन द गिविंग लोकेशन अगर हम इसको रोपर मानते हैं और रोपर क्या है रोपर इज अ प्रोटोहिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक साइट लेकिन जो मैप पे लोकेशन दी गई थी वो रोपर के साथ फिट नहीं बैठती थी जहां उन्होंने डॉट रखा हुआ है मैप में इसलिए हम गए किसके पास कांगड़ा के पास और ये मशहरूर रॉक कट टेम्पल है अब इसको आ, लोकेशन के हिसाब से हमने कंसीडर कर लिया कि हाँ हो सकता है कि ये कांगड़ा हो अब रोपर और कांगड़ा दोनों के चार चार पांच पांच पॉइंट्स देख लेते हैं इन रूपनगर डिस्ट्रिक्ट एंड पंजाब दिस इज इन रूपनगर रूपनगर डिस्ट्रिक्ट पंजाब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन पेंटेड ग्रे वेयर और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर वाली पोट्री वाला टाइम पीरियड है जहां पे Northern black polished pottery, जो डिल्स पॉटरी है वो इस्तेमाल हो रही है पेंटेड ग्रेवियर वाली पॉटरी इस्तेमाल हो रही है और ये इंडस वैली वाला टाइम पीरियड है इसके अलावा नो हरप्पन लेवल फाउंड इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम विलेज टू टाउन गांव से कस्बे की तरफ एक ट्रांजिशन पाया गया है कहां की बात है रोपर की बात है फटाफट फड़ से अगला देख लेते हैं मसरूर का टेम्पल कांगड़ा के पास पड़ता है और कांगड़ा कहां पे सबको पता है हिमाचल प्रदेश इट्स फेमस फॉर रिमार्केबल ग्रुप ऑफ रॉक कट टेम्पल्स कई सारे रॉक कट टेम्पल्स का ग्रुप पूरा पाया जाता है कहां पे मसरूर में अब ये जो कांगड़ा के पास ये सारे रॉक कट टेम्पल्स होते हैं जो किसी मोनोलिथिक रॉक या चट्टान को काट के उसमें बनाए गए हैं ये प्रोसेस आपको पता होगा मॉडर्न टाइम पीरियड से शुरू हुआ था चिजलिंग आउट द टेम्पल्स फ्रॉम दिस सिंगल मोनोलिथिक रॉक अभी काम की चीज़ क्या है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नागर स्टाइल टेम्पल पाए गए हैं अब जब मंदिरों का हम जिक्र करेंगे अपनी जनरल स्टडीज़ की आ, आर्ट आर्किटेक्चर और कल्चर वाली क्लासेस में तो टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे और टेम्पल आर्किटेक्चर में हम देखेंगे आ, नगरा स्टाइल द्रविड़ा स्टाइल वेसरा स्टाइल इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है इन डिटेल नगरा स्टाइल क्या होता है इन डिटेल जो हमने अभी जिक्र किया नागर स्टाइल आप सुना होगा सबने नाम सुना होगा द्रविड़ियन स्टाइल स्टाइल सारे सारे के सारे अलग अलग स्टाइल्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे बिल्कुल परेशान नहीं होना सारे के सारे फीचर्स पढ़ेंगे है ना और उन सारे फीचर्स में हम ये जानेंगे कैसे यक्ष और यक्षिणी द्वारपाल की तरह कहां पे खड़े हैं कैसे मंडपम की जिक्र किया गया है कैसे पूरा का पूरा गोपुरम का जिक्र किया गया है कहा गर्भगृह है और इन सारे आर्किटेक्चर में क्या क्या विशेषताएं हैं कौन कौन सी माइन्यूट एम्बेलिशमेंट्स हैं सारी की सारी चीजें टेंपल आर्किटेक्चर टेक्चर में पढ़ेंगे फिलहाल के लिए काम की चीज ये है कि जो मसरूर रॉक कट टेम्पल है जो कांगड़ा के पास है हिमाचल प्रदेश में इट्स अ ग्रुप ऑफ फिफ्टीन मोनोलिथिक रॉक कट श्राइंस द लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोनोलिथिक सिंगल रॉक को काट के उसमें से मंदिर बनाया गया है तो ये सारी जानकारियां हैं जो आप इसमें मेंशन कर सकते हो ऐसे ही है हमारा सोहा गौरा अब ये जो सोहा गौरा है ये इंस्क्रिप्शनल साइट है गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में पड़ती है न्यूलिथिक साइट है पॉटरी के बारे में जिक्र किया गया है हैंडमेड पॉटरी इस्तेमाल होती है और फैब्रिक इसका कोर्स रहता है कॉर्ड इम्प्रेस पॉटरी और वापस से ब्लैक रेड वेयर और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर का इस्तेमाल होता है तो इतनी जानकारी तीन चार लाइनों में पर्याप्त है अगला उदयगिरी और खंडगिरी केव्स जैना मोनास्टिक केव्स उदयगिरी और खंडगिरी केव्स सीधा का सीधा क्वेश्चन ग्यारहवीं क्लास की एन की आर्ट और आर्किटेक्चर वाली किताब से है आपकी एक किताब आती है जिसका कवर जो है ऑरेंज कलर का है आर्ट आर्किटेक्चर वाली किताब है पेंटिंग वाली किताब है आ, उस आर्ट उस आर्ट और कल्चर वाली जो किताब में से जब आप देखोगे एन की बुक में से जब आ, हम जैन मोनास्टिक केव्स के बारे में पढ़ेंगे तो उदयगिरी खंडगिरी साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है और सीधा सवाल वहीं से है यानी अगर आप एन सी आर एस शर्मा डी एन झा रोमेला थापर और एक हमारे पास आ, किताब और काफी प्रोमिनेंट है जिसको हम उपेंद्र सिंह बोलते हैं इन किताबों से मात्र अगर एंशियंट साइट्स को आप प्रैक्टिस कर लोगे तो लगभग 80 टू 90 परसेंट साइट्स बहुत कंफर्टेबली आप आराम से अटैम्प्ट लोगे तो ये था उडयागिरी और खंडगिरी केव्स के बारे में अगला हमारे पास है बयाना अब ये बयाना राजस्थान से है और राजस्थान में क्या है ये भरतपुर जिला जो है वहां से हमें ये साइट मिलती है बयाना साइट अब ये साइट हमें पता करनी थी लोकेट करनी थी हमने कर दी कुछ तीन चार लाइनें लिखनी है उसमें इट इज आल्सो नोन सिटी ऑफ वंसासुर वंसासुर का शहर भी बोला जाता है इसको इट्स अ होर्ड ऑफ गुप्ता कॉइंस गुप्ता टाइम पीरियड में जो कॉइन्स जो सिक्के जारी हुए उनका एक होल्डिंग आपको मिलेगा ये होल्डिंग का मतलब कलेक्शन बड़े पैमाने पे कहाँ से बयाना से तो इसलिए बयाना भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट साइट है अगला है ये काफ़ी महत्वपूर्ण साइट है होनसगी अब ये जो होनसगी है ये पैलोलिथिक साइट है जैसे ही हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी क्लासेस में इसका काफ़ी जिक्र होगा और यहाँ से सीधा का सीधा क्वेश्चन आ गया ये कर्नाटका की साइट है यादगिरी जिले में पड़ती है और यहाँ पे पेलोलिथिक टूल्स पाए गए हैं क्योंकि कोई भी साइट हो पेलोलिथिक की 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 या कल, की, सब में ये टूल्स पाए जाएंगे सब में ये साइट्स पाई जाएंगी राइट अब इसमें और क्या क्या इट स्टोन टूल्स वेपन्स अब ये सब चीजें जो हैं ये आप सब्सिस्टेंस पैटर्न ऑफ दी सोन एजेस में सेपरेटली पढ़ोगे तो ये कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो बहुत नई है सारी जानकारी वो है जो कॉमन है आपको इन्हीं चीजों को बस ऐसे लेके चलना है कि आपको साइट लोकेट करने में मदद मिल जाए कि कोई ऐसी जो हिंट यूपीएससी ने दी है इस क्वेश्चन पेपर में उस हिंट की मदद से मैं अपनी साइट तक पहुंच जाऊं बाकी जानकारी तो आपके पास होगी उसके लिए बेफिक्र रहो अंदाजा और अनुमान बस आपको सही लगाना है चंद्रकेतुगढ़ ये टेराकोटा साइट है चंद्रकेतुगढ़ नॉर्थ 24 24 चौबीस परगना डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल तो चंद्र केतुगढ़ कहाँ की के साइट है यह साइट है वेस्ट बंगाल की वेस्ट बंगाल की अब वेस्ट बंगाल में पश्चिम बंगाल में चौबीस परगना जिले वाली यह साइट है अब आर्कोलॉजिकल साइट है ही नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर ये वाली पॉटरी इस्तेमाल होती है कौन सी पॉटरी इस्तेमाल होती है डिलेक्स पॉटरी इस्तेमाल होती है यहाँ पे सिल्वर और कॉपर के पंचमार्क कॉइन पाए गए हैं चंद्र से अब पंचमार्क कॉइन की बात हुई तो आपको ये समझना है पूरे प्राचीन भारत में पूरे प्राचीन भारत में सबसे पहली बार जो सिक्के इस्तेमाल में आए सर्कुलेशन में आए वो थे पाँच सौ के पंच मार्क्ड राइट ओके तो सम ऑफ दी पंच मार्क्ड कॉइन्स शिप मोटिव इंडिकेट दैट चंद्रकेतुगढ़ पोर्ट टाउन लाइन काफी इंपॉर्टेंट है ऐसा माना जाता है कि चंद्रकेतु टाउन हो सकता था राइट right? ओके okay. चलो अगली साइड हमारे पास है रॉकेट केव्स ये हैं उदयगिरी की पहाड़ियां उदयगिरी केव्स इनके बारे में क्या है ये मध्य प्रदेश की पहाड़ियां हैं विदिशा के पास पड़ती हैं और ये रॉकट केव्स हैं वापस से चट्टानों से काट के उनमें से गुफा बनाई गई है आइकोनोग्राफी ऑफ वैष्णविज्म शक्तिविज्म और शैविज्म आपको वैष्णव और शिव धर्म से जुड़ा हुआ शक्ति जो शक्ति है माता जो है इनसे जुड़े हुए आपको इन धर्मों से जुड़े हुए आपको कई सारे यहाँ पे प्रतिमाएं मिल जाएंगी इमेज मिल जाएंगी जो उकेरी गई हैं इन चट्टानों में इन रॉक कट टेम्पल्स में इनके बारे में है ये और ये उदयगिरी केव्स हैं रॉक कट केव्स के नाम से काफी फेमस हैं प्रचलित हैं एंशियंट लर्निंग सेंटर बलाभी जैसे मैंने शुरुआत में आपको बोला नालंदा विक्रमशिला बलाभी ये सारे के सारे जो हैं वो लर्निंग सेंटर्स हैं यूनिवर्सिटीज हैं इन सब में आ, जो है शिक्षा ग्रहण की जाती थी एंशियंट टाइम्स है इंडिया के एनशियंट इंडिया के टाइम पीरियड में कहा पे है बलाभी बलाभी इज इन गुजरात सौराष्ट्र गुजरात पे भावनगर जिला अब इट्स अ कैपिटल ऑफ मेत्री मैत्रा डायनेस्टी की अब की बात है चार सौ अस्सी से सात सौ पचहत्तर है एक क्षेत्रीय डायनेस्टी है आ, इसका जो है एक्सपेंशन बहुत रेस्ट्रिक्टेड है लिमिटेड है राइट right? इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है स्टेब्लिश बाय द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी दिस वाज सेनापति भत्रक और उसके बाद इट्स अ सेंटर ऑफ लर्निंग यू ऑलरेडी नो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज यहाँ पे है ठीक है अब इट वॉज विजिटेड बाई चाइनीज पिलग्रिम एंड जीजिंग राइट ओके सेकेंड जैना काउंसिल यहीं पे हुई थी बलाभी में कब जब देवरिधि जो थे दे हेल्ड दिस पार्टिकुलर समिट इन सिक्स सेंचुरी एडी वेन जैना स्क्रिप्चर्स एज्यूम्ड द प्रेजेंटेशन मतलब काम की चीज ये कि बलाभी एक बार जैना काउंसिल का एक पीठ एक जगह एक स्थान बनके उभर के आया था सामने इसलिए काफी प्रचलित हुआ अब ये सिरपुर के बारे में इट इज इन छत्तीसगढ़ और महासुमुंद जिले में है हिंदू बुद्धिस्ट और जैन मॉन्यूमेंट है अगेन इट वॉज अ साइट विच वॉज नॉट वेरी वेरी पॉपुलर बट स्टिल लास्ट तो ऐसी एक दो साइट्स हम स्किप अगर कर भी देते हैं तब भी सत्रह से अठारह साइट्स तो हम इजीली आराम से कर सकते हैं पूछा गया बुद्धिस्ट साइट तो इसको पता करना भी थोड़ा सा मुश्किल था पर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था संकसा संकिसा इट्स अ बुद्धिस्ट साइट संकिसा कहाँ पे है उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले में संकेशा इज अ बुद्धिस्ट साइट इट्स एन एंशेंट सिटी विच केम इन टू प्रोम एट द टाइम ऑफ गौतम बुद्धा अशोका इंस्टॉल्ड अ पिलर हेयर अशोका ने यहाँ एक पिलर इंस्टॉल किया इसलिए साइट काफी ज्यादा पॉपुलर बन गई तो ये जो एक पिलर यहाँ पे स्थापित किया अशोक ने और ये फ्रॉम विच द एलिफेंट कैपिटल सर्वाइव्स जहाँ अभी हमारे पास एलिफेंट कैपिटल है जो एक सर्वाइविंग एग्जाम्पल है इस चीज़ का वो हमें मिलता कहां से है संकेशा से और संकेशा क्या है ये एक बुद्धिस्ट साइट है तो सिर्फ आपको साइट बतानी है दो से तीन लाइनें लिखती है लिखनी है अगर पता है तो ठीक है राइट एंशियंट पोर्ट की बात की गई भारूच अब ये क्वेश्चन यूपीएससी दो तीन बार पूछ चुका है भारूच भारूच और बिगुकच ब्रिगुक भारूच के नाम से ज्यादा फेमस है इट्स इन गुजरात वंस अगेन इट्स इन गुजरात इट्स इन गुजरात इन भारूच डिस्ट्रिक्ट एंड देन व्हाट इज इट इट्स अर्ट एट द माउथ ऑफ रिवर नर्मदा नर्मदा नदी आपको पता है कहां से निकलती है अमरकंटक से निकलती है अमरकंटक अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक से निकलने के बाद ये नर्मदा नदी ऊपर नॉर्थ में विंध्याज और साउथ में सतपुरास के बीच में होती हुई ये रिफ्ट वैली से गुजर के जाती है और इसी के नॉर्थ की तरफ जो है एक नदी और निकलती जिसका नाम है सोन तो जब ये नदी गुजरात से पास कर रही है यहां और यहां से वापस से कहां पे गिरती है अरब सागर में और अब ये जब अरब सागर में गिरती है तब इसको हम बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर तो जहां नदी अपना पानी समंदर में छोड़ती है दैट इज माउथ ऑफ द रिवर तो यहां पे कौन सी जगह है भारूच है और भारूच क्या है भारूच इज एन एंशियंट पोर्ट नेक्स्ट इट्स मदुरई अर्ली हिस्टोरिक साइट पूछी गई है पुरानी वाली हिस्टोरिक साइट्स पुरानी हिस्टोरिक साइट्स में किसका नाम आएगा मदुरई कहां तमिलनाडु में so, इस दिन तमिल Pandyaz. Pandyaz बोले चोला, चेरा, जो हमारा डीप साउथ का एक स्ट्रक्चर था पूरा चोला चेरा और पांड्या तो इसमें से जो पांड्याज है इन पांड्याज की कैपिटल रही है मदुरई इसलिए प, आ, काफी फेमस है थर्ड संगम वॉज हेल्ड हेयर संगम क्या है संगम वॉज द मीटिंग और असेंबली ऑफ़ द स्कॉलर्स पोइट्स जो एक साथ आए एक साथ बैठे और उन्होंने संगम लिटरेचर का जो है वो असम संगम लिटरेचर तैयार हुई उन संगम से उन असेंबली से क्योंकि वहाँ के बाद इस लिटरेचर ने उसी टाइम पीरियड में जो अलग अलग रचनाएं हुई उन रचनाओं को सुमेलित किया और हमारे पास जो बन के आया वो बन के आया संगम लिटरेचर और संगम लिटरेचर एक काफी इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है हमारे लिए संगम लिटरेचर राइट सो मदुरई कांची मदुरई कांची इट्स अ पार्ट ऑफ पट्टू पट्टू अब ये पट्टू पट्टू क्या है कई सारे नाम है संगम लिटरेचर में जो आप सुनोगे जैसे मेल कन्नक्कू किल कन्नक्कूतो गई पट्टू पत्तू अब ये कई सारे ऐसे नाम है मैं पूरी सीरीज में नहीं जाना चाह रहा हूं कई सारे नाम है आप ऐसे मान के चलो कि एक दो नाम जो आपने बहुत फेमस तरीके से पढ़े होंगे जैसे थिरु वल्लवर थिरु राइट काम की चीज फिलहाल क्या है काम की चीज ये है कि इनसे जुड़े हुए दो चार शब्द और हैं मणि में कलाई अगर आप याद कर पा रहे हो तो तो अब ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो संगम लिटरेचर से जुड़े हुए हैं मदुरई कांची का नाम है जो आपको ध्यान रखना है अब इट वाज द सेंटर ऑफ द क्राफ्ट मदुरई काफी फेमस था इट वाज द सेंटर ऑफ द क्राफ्ट कौन कौन से क्राफ्ट गोल्ड ऑर्नामेंट बनवाने हो हाथी दांत से जुड़ा हुआ कोई काम हो इनले वर्क हो चूड़ियों से जुड़ा हुआ कोई काम हो या फिर आ, कुछ और जानकारी जो हमें अर्थशास्त्र से मिलती है मदुरई के बारे में इन सारी चीज़ों में बताया गया है कि वहां पे कॉटन टेक्सटाइल फाइन कॉटन टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ काम होता था तो अब ये सारी की सारी जो जानकारी है वो जानकारी हमें इस ओर ले जाती है जहाँ पे हम ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं जानकारी थोड़ी हमारे पास है और हम साइट्स को सही लोकेट कर पा रहे हैं तो यहाँ साइट्स को सही लोकेट कर पाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके साथ ही साथ आपके पास थोड़ी बहुत जानकारी कोई प्रारंभिक जानकारी रूडिमेंट्री इंफॉर्मेशन फंडामेंटल इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत भी है तो इट विल सफाइस अब अगली है आइवरी होर्ड हमें हाथी दांतों की होर्डिंग कहाँ से मिलती है बेग्राम से अब ये बेग्राम क्या है बेग्राम एक जिला है कहाँ परवान प्रोविंस में अफगानिस्तान में सो इट इज़ इन अफगानिस्तान अफगानिस्तान के परवान प्रांत में एक जिला है बागराम जि इस जिले से हमें क्या मिलती है आइवरी की होर्डिंग राइट इट वन ऑफ 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 सिटी अब ये कौन है कौन है कौन कौन जब हम मौर साम्राज्य पढ़ेंगे तो मौर्य साम्राज्य के बाद वाला जो टाइम पीरियड होगा जिसको हम पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड बोलेंगे पोस्ट मौर्यन एरा बोलेंगे इस पोस्ट मौर्यन एरा में कई सारे लोग बाहर से आके दे केम दे हैड एन इनफ्लक्शन इंडिया एंड दे बिकेम इंडियनाइज लेटर ऑन भारत में आए आक्रमण किया क्यों क्योंकि चीन ने उस टाइम पे चीन की दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनवा दी थी तो ये सारे के सारे लोग जो इन्वेडर्स थे ये अब चाइना में एंटर नहीं कर पा रहे इसलिए इंडिया के एक्सपोज या फिर वल्नरेबल नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से जो कि ओपन पड़ा हुआ है खाली पड़ा हुआ है अनप्रोटेक्टेड है यहाँ से ये सारे के सारे लोग इंडिया में आएंगे जैसे uh, बैक्टीरियन ग्रीक्स पार्थियंस शकाज सीथियंस भी बोलते हैं उनको कुशानाज इनको तो चैरियंस भी बोलते हैं और यूचीज भी बोलते हैं यूचीज राइट तो ये सारे के सारे लोग अब इंडिया में आएंगे उनमें से फिर एक कुषाण होंगे फिर बाद में सातवाहस होंगे तो ये लोग तो यहीं के हैं और वो लोग आ, जो हैं वो बाहर से उनका इन्फ्लक्स हुआ है तो जो कुषाण है कुषाण जो सबसे ज्यादा संख्या में गोल्ड कॉइन्स जारी करेंगे बाद में तो हमको ये समझना है इनकी एक एंशियंट सिटी थी बेग्राम और कहां पे अफगानिस्तान में अगला सोमपुरा ये बुद्धिस्ट मोनास्टिक सेंटर है बुद्धिस्ट मोनास्टिक सेंटर सोमपुरा अब ये सोमपुरा कहां पे है ये बांग्लादेश में है बांग्लादेश के नवगांव जिला में ये बुद्धिस्ट महाबिहारा है अब महाबिहारा की बात की जाए तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ बुद्धिस्ट बिहाराज क्या होते हैं बुद्धिस्ट बिहाराज क्या होते हैं क्या कोई बता पाएगा बुद्धिस्ट बिहार बिहाराज क्या होते हैं एनीवन कोई भी चैत्याज क्या होते हैं चैत्याज व्हाट आर दैत्याज एंड व्हाट आर दी बिहाराज एनीवन फ्रॉम द क्लास कोई भी चैत्या क्या होते हैं और बिहारा क्या होते हैं एनीवन फ्रॉम द क्लास आपने सुना होगा नाम चैत्याज ऑफ कार्ले चैतियाज ऑफ कार्ले बुद्धिस्ट बिहार बिहार बुद्ध बिहार बिहार और चैतियाज में फ़र्क ये है कि बिहार वो ओके बिहार वो है बुद्धिस्ट बिहार सर इससे ज़्यादा हिंदी क्या ही हो सकती है इससे ज़्यादा हिंदी में तो फिर आप खुद पचा नहीं पाओगे और उससे ज़्यादा हिंदी में तो आप खुद जल्दी जल्दी जल लिख भी नहीं पाओगे मैं तो यहाँ पे बोल दूंगा बाकी बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं बाइलिंगल क्लासेस हैं ताकि समझ में ज़्यादा आए स्लाइड जो है वो पीपीटी इंग्लिश में है कारण सिर्फ इतना है कि आप सभी लोग कुछ बच्चे जो है वो डिमांड करते हैं इंग्लिश की कुछ करते हैं हिंदी की तो मैं क्या करूंगा मैं पूरा एक्सप्लेनेशन कोशिश ये कर रहा हूं कि हिंदी में करो अब ये हंड्रेड परसेंट हिंदी में होना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो जो शब्द होंगे एग्जैक्ट हिंदी कन्वर्जन वो आपके खुद आम भाषा में रोजमर्रा की बोलचाल वाली भाषा में नहीं है तो वो समझने के लिए मुश्किल होगा हालांकि ऐसे शब्द लिखने के लिए थोड़ा सा काम आ सकते हैं पर वो नोट्स के फॉर्म में या इस पीपीटी को हिंदी में करके मैं आपको बाद में आ, सही तरीके से प्रोवाइड कर दूंगा अभी सिर्फ आप अपना फोकस समझने पे लगाओ चीजों को सुनने में लगाओ ताकि वो चीजें आसान भाषा में समझ में आ जाए है ना समझ में आने के बाद अब आती है बारी लिखने की तो उसके लिए ये सेम पीपीडीज को मैं कम से कम या फिर एरर फ्री करके कोशिश यही होगी आपके पास हिंदी में पहुंचा दूं तो आप उसको लिखने के लिए इस्तेमाल करिए समझने के लिए यही माध्यम हो सकता है अगर मैं इसको पूरा फुल्ली इंग्लिश में करूंगा तो थोड़ा मुश्किल होगा या फुल्ली हिंदी में करूंगा तो थोड़ा मुश्किल होगा ठीक है तो ये जो भी मैं कर रहा हूँ या फिर जो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ वो सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो चीजें समझ में आए इसलिए इसको बायलिंगुअल किया गया है राइट बाकी आई विल प्रोवाइड यू दी पीपीटीज इन हिंदी आल्सो सो दैट यू कैन यूज इट एज इट इज इन दी एग्जाम बट वो लिखने के लिए है समझने के लिए ये भाषा है ठीक है और चैत्याज वो होते हैं जो पूजा के लिए इस्तेमाल होते हैं बिल्कुल सही अः प्रताप ओके सो ये जो चैत्याज है ये मोस्टली दे आर यूज फॉर दर्शिपिंग दे आर दर्शिपिंग प्लेस एंड देहराज दे आर यूज फॉर द रेजिडेंस

अब ये जो अर्ली मेडिवल है इसका मतलब ये है कि हम साढ़े सात सौ साढ़े सात सौ ए से लेके लगभग लगभग ग्यारह सौ पचास ए के टाइम पीरियड के, के साथ डील कर रहे हैं तो इसको हमने क्या बोल दिया अर्ली मेडिवल इंडिया तो अर्ली मेडिवल इंडिया में तीन अलग अलग रीजनल किंगडम्स फ्लरिश हुए पालाज और प्रत्यहाराज जिसको हम गुर्जर प्रतिहारा भी बोलते हैं और राष्ट्रकुताज और राष्ट्रकुताज थे डेक्कन में गुर्जर प्रतिहारा ये थे हमारे वेस्टर्न इंडिया में और पालास थे ईस्टर्न इंडिया में जहाँ बंगाल और बांग्लादेश वाला रीजन है अभी तो इन तीनों में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था तीनों में आपस में लड़ाई चल रही थी बताएंगे दो आप रीजन कौन सा था जिसके लिए लड़ रहे थे आपस में आपको ये समझना है और उज्जैन जिसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा था अभी हमारे काम का चीज़ क्या है सोमपुरा हमने सोमपुरा को सही तरीके से रिलेट कर दिया हिंट यूपीएससी ने हमको क्या दी यूपीएससी ने बोला कि ये एक बुद्धिस्ट मोनास्टिक सेंटर है क्या आप ढूंढ सकते हो तो हमने उसको ढूंढ के दिखा दिया कि हाँ ये वाला है सोमपुरा ठीक है इसके अलावा बनाया किसने धर्मपाला ने पर आप जानकारी है थोड़ी बहुत जानकारी जोड़ना चाहते हो तो जोड़ सकती है टेम्पल कॉम्प्लेक्स की जानकारी हमको यूपीएससी ने दी यूपीएससी ने हमसे पूछा कि एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है पता कर सकते हो कौन सा है तो हमने बोला ये केदारनाथ है नॉर्थ इंडिया में ठीक है केदारनाथ के बारे में क्या बोल सकते हैं हिंदू श्राइन है हिंदुओं का पूजा स्थल है डेडिकेटेड टू गॉड शिवा भगवान शिव को समर्पित है यह पूजा स्थल आप तो केदारनाथ के बारे में बहुत सारी जानकारी लिख सकते हो और क्या लिख सकते हैं ये कहां पे है गढ़वाल हिमालयाज में और गढ़वाल हिमालयाज कुमायूं हिमालयाज आप इसको ज्योग्राफी में उत्तराखंड में पढ़े ही हो ठीक है उसके अलावा हिंदू लीजेंड्स के हिसाब से ये मंदिर बनाया गया पांडवों के द्वारा कौरव और पांडव पांडवों के द्वारा और बोला गया कि ये वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया गया आदि शंकराचार्य द्वारा आठवीं शताब्दी एडी में ये बाकी जानकारी है आप एसिमिलेट करना चाहो बढ़िया वरना एग्जाम के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ तीन से चार लाइनें पर्याप्त हैं क्योंकि एक साइड आपकी ढाई नंबर की है टू पॉइंट फाइव मार्क्स की है तो आपने उसको लोकेट कर दिया सही तरीके से और तीन चार लाइन लिख दी इतना पर्याप्त है ठीक है लोकेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहचान पाना आइडेंटिफाई कर पाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जो भी यूपीएससी ने आपको हिंट दी है उस हिंट से उसको आइडेंटिफाई करो करो लोकेट काम हो गया अब तीन से चार लाइन है जानकारी के तौर पर आपको बढ़िया वाली डाल दी है उसमें तो ये है हमारा मैपिंग वाला क्वेश्चन इसमें कम से कम कम से कम 200 से 250 साइट्स को हमने प्रॉपरली जो है वो कवर करना है 250 साइट्स टू फिफ्टी प्लस ये हमारा टारगेट रहेगा और ये प्रैक्टिस करने के बाद नाइन्टी परसेंट नाइन्टी फाइव परसेंट लगभग लगभग अमूमन मोटा मोटा कवर हो जाती हैं कुछ साइट्स एक दो साइट हमेशा ऐसी रहती है जो कंफ्यूजिंग रहती है या जहां पे आपको समझ नहीं आता कि सर एग्जैक्टली exactly कौन सी साइट थी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो उन सब चीज़ों को आ, हम थोड़ा सा नज़रअंदाज कर सकते हैं लेकिन फिर भी अगर आपने 18 19 साइट्स सही तरीके से पकड़ ली हैं इसका मतलब ये है कि 45 प्लस मार्क्स आप इस क्वेश्चन में एकमात्र क्वेश्चन में पैंतालीस से ज़्यादा नंबर ला सकते हो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है दैट यू हैव टू प्रैक्टिस मैप्स रेगुलरली जैसे ज्योग्राफी में आप मैपिंग प्रैक्टिस रेगुलर करते हो वैसे ही हिस्ट्री ऑप्शन में भी मैपिंग की प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करनी पड़ेगी अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको इसके अलावा कई सारे सोर्सेज रेफर करने पड़ेंगे जैसे मैंने आपको बोला एनशियट इंडिया की कई सारे सोर्सेज हो गए क्योंकि एनशियट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इट इज़ ओनली फॉर द प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस दैट यू विल बी एबल टू मास्टर दिस पार्टिकुलर पोर्शन सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड Uh, here in this session, we try to understand that how to अंडरस्टैंड uh, attempt such questions. What are the points which are needed to take care upon and then कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनपे हमें फोकस रखना है कौन कौन सी चीजों पे हमें ध्यान रखना है और ये 45 प्लस मार्क्स लाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैपिंग की और ये ठीक वैसे ही है जैसे हम भूगोल में geography में भी प्रैक्टिस करते हैं On that very positive note, I'll try to wrap this session session. up. We will meet tomorrow in the next session, till the next Till time, uh, if there is any question, please ask me. कोई सवाल कोई दुविधा कोई परेशानी कुछ भी जो आपके पास है uh, शिव प्रताप या इट वॉज for कन्नौज uh, इट वॉज for कन्नौज कन्नौज पॉलिटिकली बहुत ही सिग्निफिकेंट हो गया था उस टाइम पे जैसे दिल्ली आज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है उस टाइम पे कन्नौज बहुत सिग्निफिकेंट हो गया था और कन्नौज को कन्नौज पे डोमिनेशन करने के लिए कन्नौज को डोमिनेट करने के लिए पालाज गुर्द और राष्ट्रकूट ये आपस में भिड़ रहे थे ठीक है वेरी गुड इट्स इट्स कन्नौज एब्सोल्यूटली ओके एनी एनी डाउट एनी अदर क्वेश्चन ऋचा समझ में तब आएगा जब आप पढ़ोगे ठीक है एनसीआर निकालो एन खरीदो मार्केट में और एन खरीदोगे तब कुछ बेसिक बनेगा और उस बेसिक में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी तब आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी साइट्स की और साइट्स की प्रैक्टिस भी तब हो पाएगी जब आपने बेसिक जानकारी ली होगी तो एन कम से कम दो तीन बार पढ़ो और एन से आपकी नींव बनेगी उस नींव पे आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा तब जाके जैसे ही इन साइट्स के नाम आएंगे हुसनगी या फिर जो भी साइट आपके पास आ रही है बुर्जुम गफराल चिरान मेहरगढ़ मास्की तब लगेगा अच्छा ये मैंने वहाँ पढ़ा था इसका मतलब ये साइट वहाँ की है रिलेट करना तो ये पूरा का पूरा गेम है पचास नंबर लाना एक क्वेश्चन में अगर इतना ईजी होता तो इस ऑप्शनल में सबके फोकट के नंबर आ रहे होते हैं पचास थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी और समझ में चीज़ें तब आएंगी क्योंकि मैंने आपसे बोला जो भी नाम मैं ले रहा हूँ जो भी चीज़ें मैं आपके सामने बोल रहा हूं वो चीज़ें आपको नहीं लगेंगी हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत डिफिकल्ट सा है पर ऐसा कुछ है नहीं ये साउथ इंडियन साइट्स के नाम है मोस्टली इसलिए साउथ इंडियन नाम ने, नाम जो है वो थोड़े से आपके लिए अटपटे से होते हैं पर जब दो चार बार वो हम आ, पढ़ लेते हैं तो हमसे उनकी फेमिलियरिटी बन जाती है और ये आएंगे कब आएंगे तब जब हम एनसीआर कम से कम पढ़ लेंगे और उसके बाद एक रेफरेंस बुक हमारे पास होगी और ये जीएस वाले बच्चों के लिए कतई नहीं है जो जीएस में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल वाले बच्चों के लिए है जिन्होंने हिस्ट्री ऑप्शन लिया है और जिनको इस मैपिंग वाले क्वेश्चन के साथ डील करना है जिसको सिर्फ एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करके 50 नंबर लाने हैं उनको समझ में आना चाहिए बस और वो उन बच्चों को समझ में आएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन एक सीरीज होती है जहां से पूरे के पूरे पचास नंबर भी आप ला सकते हो क्योंकि मैं आपसे बोल चुका हूं कि आपके पास बीस साइट्स हैं और हर साइट ढाई नंबर की है सब बच्चों के लिए नहीं है ये जीएस वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जी हिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका पहले सेक्शन का पहला क्वेश्चन पचास नंबर का होता है जहां प्रैक्टिस करने से मैपिंग की आपके ये पचास नंबर जो है बड़ी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो और ये मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ऑप्शन वाले बच्चों के लिए जो हमने टारगेट रखा है वो है थ्री हंड्रेड प्लस और तीन सौ प्लस नंबर लाने के लिए मैपिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है इसके बिना हमारा काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ठीक है ओके सो हिस्ट्री ऑप्शन का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है और आप इस पूरे ऑप्शन में जो है अगर, अगर डिस्काउंट चाहते हैं तो कोड है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो बाई फाइव एट्टी टू बाई फाइव एट्टी टू इस बाई फाइव एट्टी टू कोड को इस्तेमाल करके आपके पास लगभग लगभग सेवेंटी एट परसेंट डिस्काउंट इस कोर्स पे मिल जाएगा अगर सेम कोर्स आप जो है अड्डा यूपीएससी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के आ, जो है चैनल से खरीदना चाहते हो जो कि हमारा आ, पूरा का पूरा आ, जैसे दो ऑप्शन हमारे पास एक तो आप सीधा का सीधा कोड अप्लाई करो या फिर दूसरा आप अड्डा का एप डाउनलोड कर लो अगर आपने यूपीएससी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का एप डाउनलोड किया है और ऐप से आप सेम कोर्स खरीदोगे ये वाला कोड लगा के बाई फाइव एट टू तो आपका तीन सौ चार सौ रुपए और कम हो जाएगा तो बहुत ही कम रेट में डिस्काउंटेड प्राइस में बहुत ही ज़्यादा एफोर्डेबल प्राइस में ये कोर्स आपके साथ लॉन्च हुआ है लगभग पाँच हज़ार रुपये के अंदर अंदर आप इस कोर्स को पूरा का पूरा हिस्ट्री ऑप्शनल स्टेट पी के लिए या फिर अपने यूपीएससी पी आई के एग्ज़ाम के लिए ले सकते हो मेरी तरफ से आज के सत्र में इतना ही मैं मिलता हूं आपसे कल दोबारा वापस मुलाकात होगी तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ हैव वेरी गुड टाइम and continue learning this is very much important take very good care of yourself stay safe thank you very much jai Hind.